निकले आज। लिखिए भाई आपका, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन बीच में छूटा था, वो 15A ना। यहाँ से भाई क्वेश्चन बना है, चांस है इस बार बनने का भी, कि प्रतिकर के बारे में जो प्रावधान किया गया है, कई लोग इसको कह भी रहे थे कि लिखवा दिया जाए, और ये आपका लिखवाया भी जा रहा है। वाकई बोलिए तो लास्ट कौन था? हाँ, वही मजिस्ट्रेट निर्धारित डीएम करते हैं। बी लिखवा दिया गया, सी लिखवा दिया गया, उसके बाद परंतु को भी ना, उसको अपनी भाषा में लिखवा गया, परंतु को लंबा था। अब लिखिए खंड 3 पर, हाँ लात 3 लिखिए। राज्य सरकार आदेश द्वारा राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के संदाय के दायित्व से के संदाय के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे सकती है। छूट दे सकती हैं। खंड 4 लिखिए। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या आदेश का पुनरीक्षण आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। आयुक्त या मैंने कमिश्नर, आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। खंड 5 लिखिए। इस धारा के तहत क्षति के लिए यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है, इस धारा के तहत क्षति के लिए यदि प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया है, तब पुनः प्रतिकर की मांग के लिए तब पुनः प्रतिकर की मांग के लिए कोई सिविल वाद
नहीं लाया जाएगा। कोई सिविल वाद नहीं लाया जाएगा। अगर आप चेंज करके स्पष्टीकरण लिखिए, स्पष्टीकरण, इस धारा में निवासियों शब्द का अर्थ वही होगा, इस धारा में निवासियों शब्द का अर्थ वही होगा जो धारा 15 के स्पष्टीकरण में दिया गया है। अगला प्रश्न बनाइए। विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों का उल्लेख करिए। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, प्रश्न बनाइए अगला। ये भी आपका चांस रहता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों, नहीं, अधिकारी की नियुक्ति एवं इनकी शक्तियों का उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17, 18 तथा 19 में, 17, 18 तथा 19 में विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में, विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित हैं। विशेष पुलिस अधिकारियों के बारे में प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 17, हेडिंग डालिए विशेष पुलिस अधिकारी। लिखिए पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक से अनिम्न माने इसके नीचे नहीं, पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष, यहाँ मजिस्ट्रेट माने कार्यपालक, निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष आस पास के व्यक्तियों को, व्यक्ति माने प्राइवेट व्यक्ति, आस पास के व्यक्तियों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने का, विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाने का निम्नलिखित आधारों पर आवेदन कर सकेगा, निम्नलिखित आधारों पर आवेदन कर सकेगा। स्मॉल ए में लिखिएगा या फर्स्ट में, पैराग्राफ चेंज करके धारा को तोड़कर लिखवा जा रहा है, बहुत लंबी धारा है।
ए या फर्स्ट लिख लीजिएगा, जो भी लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। यह कि कोई विध विरुद्ध जमाव, यह कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा, यह कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति में व्यवधान कारित हो चुका है, या शांति में व्यवधान कारित हो चुका है, या कारित होने की उचित आशंका है, या कारित होने की उचित आशंका है, ये फर्स्ट या ए रहा। सेकंड लिखे या बी लिखे, जो भी लिखे हो आप। यह कि शांति बनाए रखने हेतु, यह कि शांति बनाए रखने हेतु सामान्यतः नियोजित पुलिस बल, सामान्यतः नियोजित पुलिस बल शांति बनाए रखने में, शांति बनाए रखने में तथा वहाँ के निवासियों के, तथा वहाँ के निवासियों के शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए, शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, शरीर एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसे आवेदन पर मजिस्ट्रेट, नहीं नहीं पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ऐसे आवेदन पर मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगा, ऐसे आवेदन पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगा जब तक कि कोई विपरीत कारण दिखाई न दे, जब तक कि कोई विपरीत कारण दिखाई न दे, अगला लिखे धारा 18, विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, हेडिंग डालिए धारा 18, विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियां, इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कामा दीजिए विशेषाधिकार और परित्राण माने छूट कहा जाता है, और परित्राण माने उन्मुक्ति, परित्राण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे,
और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान और वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के दायित्वाधीन होगा। दायित्वाधीन होगा और वैसे ही शास्तियों और वैसे ही शास्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा और वैसे ही शास्तियों और वैसे ही अधिकारियों के अधीनस्थ होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेक्शन 19 धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने पर अनुशास्ती ऐसे लिख लीजिएगा विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने पर शास्ति या अनुशास्ती शास्ति या अनुशास्ती कोई एक ही लिखिएगा लिखिए पैराग्राफ चेंज करके जहाँ कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त होने के बावजूद जहाँ कोई व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त होने के बावजूद बिना किसी पर्याप्त कारण के ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी पर्याप्त कारण के ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करता है या उपेक्षा बरतता है या कर्तव्य पालन के संबंध में विधिसम्मत आदेश या निर्देश का पालन करने से इनकार करता है या उपेक्षा बरतता है तो वह मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर ऐसे प्रत्येक उपेक्षा इनकार या अवज्ञा हेत 50 रुपये से अनधिक
50 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। 50 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला प्रश्न बनाइए। लावारिस या बिना दावे की संपत्ति, लावारिस या बिना दावे की संपत्ति या पड़ी हुई संपत्ति, के बारे में पुलिस की शक्तियों का उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। पुलिस अधिनियम, उत्तर लिखिए। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा, पच्चीस, 26 तथा 27 में, 26, 26 तथा 27 में बिना दावे वाली संपत्ति के संबंध में, पुलिस की शक्तियों एवं कर्तव्यों का, तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी संपत्ति के बारे में, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का, उल्लेख किया गया है। जो निम्नलिखित है, पैराग्राफ चेंज करके धारा लिखिए 25। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। धारा लिखिए 25, हेडिंग डालिए, पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को, अपने भार साधन में लेंगे। और इसके व्ययन की बाबत, मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि,
वह सब बिना दावे वाली, वह सब बिना दावे वाली, चल संपत्ति को अपने भार साधन में ले, चल संपत्ति को चल संपत्ति को अपने भार साधन में ले, और उसकी तालिका जिले के मजिस्ट्रेट को दे, और उसकी तालिका तथा उसकी तालिका जिले के मजिस्ट्रेट को दे। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के बयान के बारे में, पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के बयान के बारे में ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो उसे जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त हों, ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो उसे जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त हों। अगला लिखिए धारा 26, धारा 26 हेडिंग डालिए, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। लिखे पैराग्राफ चेंज करके, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उस संपत्ति का विवरण देते हुए, और उस संपत्ति का विवरण देते हुए एक उद्घोषणा जारी कर सकेगा, और उस संपत्ति का विवरण देते हुए एक उद्घोषणा जारी कर सकेगा जिसके द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि जिसके द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी संपत्ति के प्रति दावा करने वाला व्यक्ति, ऐसी संपत्ति के प्रति दावा करने वाला व्यक्ति उद्घोषणा की तारीख से 6 मास के भीतर उपस्थित होकर, 6 मास के भीतर उपस्थित होकर अपना अधिकार स्थापित करे, अपना अधिकार स्थापित करे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा,
ऐसी संपत्ति के संबंध में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसी संपत्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, ऐसी संपत्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 459 लागू होगी अगली धारा लिखिए आपका धारा 27 लिखिए यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता, धारा 27 लिखिए, यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण, यदि कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो संपत्ति का अधिहरण। लिखिए यदि उद्घोषणा की तिथि से, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि उद्घोषणा की तिथि से छह मास के भीतर संबंधित संपत्ति का कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता, संबंधित संपत्ति का कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता या यदि संपत्ति पहले ही बेच दी गई हो, या यदि संपत्ति पहले ही बेच दी गई हो तो उस धन पर दावा नहीं करता, तो उस धन पर दावा नहीं करता। तब ऐसी दशा में वह संपत्ति जिले के मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन बेच दी जाएगी। तथा विक्रय धन राज्य सरकार को प्राप्त होगा, तथा विक्रय धन राज्य सरकार को प्राप्त होगा। भाई 15 मिनट बाद क्लास चलेगा, भाई आपका 10-12 मिनट बाद। नोट है, पुराना नोट है, उसमें संशोधन करा।